हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक एग्रीकल्चर। हम हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं और हॉर्टिकल्चर में हम ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। सॉरी फॉर द डिले, मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ ड्यू टू पर्सनल रीजंस, ठीक है। कोई बात नहीं, हम अब हॉर्टिकल्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई होप आप लोग को हॉर्टिकल्चर समझ में आ रहा होगा। हॉर्टिकल्चर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। आप बस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ठीक है, और उसको उसके नोट्स को बनाइए, ठीक है। क्योंकि आप जब लिख के पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी याद होगा और अच्छे से ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। तो हम न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर में मेनली हम क्या खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं या फील्ड क्रॉप्स बोल सकते हैं, फील्ड क्रॉप खाते हैं या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। तो मान लीजिए मेनली हम फील्ड क्रॉप्स खाते हैं ना, तो फील्ड क्रॉप्स में दो चीज़ होता है, ठीक है। एक तो मेजर पार्ट होता है इसका जिससे हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है, मेजर पार्ट हो गया। और माइनर पार्ट जो होता है जिसमें से हमें विटामिन्स मिनरल्स ये सब मिलते हैं, ठीक है, ये हमारा माइनर पार्ट हो गया। तो मेजर पार्ट की जब बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, मेजर पार्ट हम इसलिए खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है। सीरियल्स को आप क्यों कंज्यूम करते हैं, उससे आपको एनर्जी मिलता है ना, ठीक है। तो एनर्जी पर्पज़ के लिए, अपने डाइट को मेनटेन करने के लिए हम सीरियल्स या फिर फील्ड क्रॉप्स को खाते हैं, ठीक है। तो हमें सीरियल से क्या मिलता है, सबसे पहले प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, फाइबर मिलता है, ठीक है, इतने सारे चीज़ मिलते हैं ना। तो प्रोटीन जैसे हमारा पल्सेस या लेग्यूम्स बोल दें, ठीक है, पल्सेस हो गया इसके एग्जांपल्स की, पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट में हमें सीरियल्स से मिलता है, जैसे राइस, मेज, बार्ले हो गया, ठीक है, ये सब सीरियल्स है ना, तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फैट मिलता है हमारे ऑयल सीड से, फाइबर भी मिलता है बहुत सारे वेजिटेबल्स से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेजर फील्ड क्रॉप्स हो गया, ठीक है। और माइनर में हमारा मिलता है जैसे कि हमारा विटामिन्स हो गया, जैसे मिनरल्स हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है, माइनर मिलता है। ये भी मिलता है हमारे फील्ड क्रॉप से, लेकिन माइनर बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। तो बहुत कम क्वांटिटी में होने के कारण इससे क्या होता है ना कि हमारा पूर्ति नहीं हो पाता है, मतलब हमें जितना मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए अपने डाइट के लिए उतना फील्ड क्रॉप से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम क्या किए, फील्ड क्रॉप से फिर मूव किए वेजिटेबल्स की तरफ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए, अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को हम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें फील्ड क्रॉप से एनर्जी तो मिल जा रहा है, लेकिन जो मिनरल्स और जो विटामिन्स हमें चाहिए वो हमारा फील्ड क्रॉप से पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खा रहे हैं, तो ठीक है। तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो सब मेजर पार्ट में मिल रहा था, तो यहाँ पे मेजर पार्ट में हमारा विटामिन्स और मिनरल्स मिलेगा, ठीक है। विटामिन्स और मिनरल्स जो होगा वो मेजर पार्ट मिलेगा हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, ठीक है। और माइनर पार्ट क्या मिलेगा हमारा, जो वहाँ पे मिल रहा था मेजर पार्ट, वही हमारा माइनर पार्ट में मिलेगा। क्या मिलेगा, हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, फाइबर हो गया, ये जो हमारा मेजर मिल रहा था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में वो माइनर में मिलेगा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब हम खा रहे हैं तो हमें सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स ही मिलेगा, एनर्जी पर्पज़ के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर भी मिलता है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में मिलता है और ज़्यादा क्वांटिटी में हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें कि हमारा किसमें कौन सा विटामिन्स या मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिटिव वैल्यू हम पढ़ेंगे विटामिन ए में, ठीक है। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम मतलब बोल सकते हैं रेटिनॉल होता है, ठीक है। तो विटामिन ए किस में पाया जाता है, येलो कलर्ड फ्रूट, ठीक है, येलो कलर्ड फ्रूट में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, रिच क्वांटिटी में होता है। तो देखिए मैक्सिमम विटामिन ए दिया हुआ है ना, सबसे ज़्यादा मैंगो में होता है, फिर पपाया में होता है, ठीक है। अब कितना होता है वो मैं बता दूँ, तो मैंगो में होता है 4800 IU, ठीक है। ये आईयू जो है वो इंटरनेशनल यूनिट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आईयू जो है वो हमारा इंटरनेशनल यूनिट है। अब 1 mg में हमारा कितना होता है, 1667 IU होता है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैंगो में होता है विटामिन ए 4800 IU, ठीक है। उसके बाद पपाया में होता है, तो पपाया में कितना होता है, 2200 IU, ठीक है,
2200 आयु हमारा पपाया में होता है, ठीक है। और वेजिटेबल की बात करें तो बथुआ लीव्स, ठीक है, बथुआ के लीव्स में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है वेजिटेबल में देखा जाए तो, ठीक है, मैक्सिमम विटामिन ए होता है हमारा बथुआ लीव्स में। अब मूव करते हैं थायमिन, मतलब विटामिन बी वन की तरफ, ठीक है। तो मैक्सिमम जो विटामिन बी वन है वो हमारा कैश्यू में होता है, कैश्यू नट जो होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन बी वन होता है। और वेजिटेबल की बात करें तो चिल्ली में सबसे ज़्यादा होता है हमारा विटामिन बी वन, ठीक है। उसके बाद राइबोफ्लेविन, मतलब विटामिन बी टू की बात करें तो मैक्सिमम हमारा बेल में होता है। बेल जानते हैं ना, जिसको वुड एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। बेल जो फ्रूट होता है, गोल गोल सा होता है, हार्ड शेल होता है उसका, ठीक है, वो बेल होता है, उसको वुड एप्पल भी कहते हैं। तो मैक्सिमम विटामिन बी टू होता है उसमें। और वेजिटेबल की बात करें तो फेनुग्रीक लीव्स में मैक्सिमम विटामिन बी वन बी टू होता है, ठीक है, मैक्सिमम विटामिन बी टू होता है हमारा फेनुग्रीक लीव्स में। विटामिन सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी आप लोग सोचते होंगे कि आंवला में होता होगा, ठीक है, क्योंकि वो खट्टा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आंवला से भी ज़्यादा हमारा बारबाडोस चेरी में होता है विटामिन सी, ठीक है, उसके बाद आंवला में होता है, और वेजिटेबल में कोरिएंडर में सबसे ज़्यादा होता है। अब बारबाडोस चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है तो बात करते हैं कितना होता है, ठीक है। तो उसमें 2000 mg पर 100 ग्राम, ठीक है, अगर 100 ग्राम हम बारबाडोस चेरी लेंगे तो उसमें 200 mg हमें विटामिन सी मिलेगा बारबाडोस चेरी में, ठीक है। और आंवला में कितना होता है तो 600 mg होता है, ठीक है, सॉरी ये 2000 है, 2000 mg होता है बारबाडोस चेरी में, और 600 mg हमारा आंवला में होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी बारबाडोस चेरी में होता है, फिर हमारा आंवला में होता है, और वेजिटेबल के केस में कोरिएंडर में होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारा रेजिन में होता है, किशमिश जिसको बोलते हैं, ठीक है, 77% कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसके बाद डेट पाम में होता है, डेट पाम में होता है, और वेजिटेबल में हमारा टेपियोका में होता है, ठीक है, 38.1%। प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारा कैश्यू नट में होता है, 21.2%। उसके बाद आलमंड में होता है 20.8%, और वेजिटेबल में हमारा पी में होता है। फैट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फैट हमारा वॉलनट में होता है, 64.5% हमारा फैट होता है आलमंड वॉलनट में, ठीक है। उसके बाद आलमंड में होता है, और वेजिटेबल के केस में फैट हमारा पोटैटो में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फाइबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा फाइबर फिग में होता है, फिर गुआवा में होता है, और फिर पोटैटो में होता है वेजिटेबल में, ठीक है। कैल्शियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारा लीची में होता है, फिर हमारा वेजिटेबल की केस में अगाती, अगाती किसको बोलते हैं, मुनगा, मुनगा फ्लावर्स को अगाती बोलते हैं, ठीक है, ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं, ड्रमस्टिक को ही मुनगा भी कहते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारा लीची में होता है, फिर वेजिटेबल में हमारा अगाती में होता है, अगाती में भी मुनगा फ्लावर में, ठीक है, उसका जो ड्रम स्टिक होता है उसमें नहीं, मुनगा का फ्लावर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है। फॉस्फोरस की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस हमारा आलमंड में पाया जाता है, ठीक है, वेजिटेबल में हमारा एमरेंथस में होता है। आयरन की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयरन हमारा ड्राई करौंडा में होता है, ठीक है, और वेजिटेबल में वो बात करें तो एमेरेंथस में होता है। आप लोग समझते होंगे कि एमेरेंथस तो हमारा वीड है, ठीक है, लेकिन एमेरेंथस वीड नहीं है, इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, साग जो बोलते हैं ना, साग के पर्पज से कंज्यूम किया जाता है इसको, ठीक है, एमेरेंथस जिसको बथुआ भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आयरन हमारा ड्राई करौंदा में पाया जाता है, और वेजिटेबल के केस में एमेरेंथस में होता है। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू में सबसे ज़्यादा हमारा मतलब एनर्जी मिलता है इससे, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें वॉलनट से मिलता है, 687 कैलोरी, ठीक है, 687 कैलोरी मिलता है 100 ग्राम पर 100 ग्राम अगर वॉलनट लिए तो। और उसके बाद वेजिटेबल के केस में टैप्योका में मिलता है सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। आयरन जो होता है ना वो ड्राई करोंडा में 39.1% होता है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देती हूँ, 39.1% जो है वो हमारा ड्राई करोंदा में आयरन मिलता है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू मैं बता दी, सबसे ज़्यादा फ्रूट के केस में वॉलनट में होता है 687 पर 100 ग्राम में, ठीक है, और वेजिटेबल में हमारा टैपियोका में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये था न्यूट्रिटिव वैल्यू। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।